चक्रधरपुर चैबासा मुख्य मार्ग में पोटका में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार एम्बुलेंस के धक्के से लोहरदा गांव निवासी सिकंदर जामुदा नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मजदूर नेता सिकंदर जामुदा ने घायल अवस्था में उस व्यक्ति को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर परिजन एवं ग्रामीणों ने पोटका में रांची चैबासा 75E मुख्य मार्ग को एक घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए नगद एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। जानकारी के मुताबिक खूटपानी प्रखंड के लोहरदा गांव निवासी 42 वर्षीय सिकंदर जामुदा किसानी करते थे। मंगलवार सुबह बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पोटका पेट्रोल पंप आए थे। पेट्रोल भराने के बाद घर लौट रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आ गए। यही बात डेली हो रहा है, डेली एक्सीडेंट कर रहा है। अभी लोग पैरवी तरह के गाड़ी छोड़ा के ले जाते हैं, सर छोड़ दीजिए, नहीं हुआ है, अब मर गया तो रोड जाम करिए तो फंसिएगा। कल भी हम आपको देखिए, रोड जाम करिएगा तो पुलिस किसी की कोई मदद नहीं करेगी। बड़ा क्लियर कट हम बता रहे हैं, रोड जाम नहीं, आप जो बात करना है तो रोड छोड़िए ना, रोड से क्या अथॉरिटी को बुलाइए ना, आप सीओ को बुलाइए। हम सीओ आएगा हम यहाँ खड़े, हम इन्फॉर्म कर सबसे पहले कौन आया है, डेड बॉडी उठाने कौन आया, पुलिस उठा के ले गई सब काम की, तो उसी तरह पुलिस आएगी। और आज के बाद अगले एक साल तक जब कभी उस परिवार को जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ पुलिस खड़ी रहेगी, बाकी कोई नहीं आएगा। फिर छुट्टू का एफ आई आर हो जाएगा, रोड जाम का केस हो जाएगा, उन को मिलेगा कुछ नहीं, उल्टे केस में फंस जाएगा घर वाला। और पिछला जो सर लापरवाही हुई है, पिछला कई दो तीन एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ बैरिकेडिंग का मांग किया गया था, बैरिकेडिंग लगाया था कुछ दिन, उसके बाद उठा लिया गया है। बैरिकेडिंग लगेगा नहीं लगना चाहिए, स्कूल है, बैरिकेडिंग ऐसा नहीं लगता यार। बाकी अगर स्कूल है तो उसके लिए एक्सीडेंट जो नहीं, तीन चार एक्सीडेंट यहाँ हो चुका है, पाँच छह एक्सीडेंट हो चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।